फ्रेंड्स, जैसा कि आप अवकलन पढ़ने के बाद आप ये देख रहे हैं कि अवकलन का यूज हम डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कई एक्सरसाइज हैं आपकी किताब में और आप पढ़ रहे हैं कौन सा पार्ट, अवकलस के अनुप्रयोग। उसी अवकलस के अनुप्रयोग में आज हम पढ़ेंगे कि कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान बोलने में थोड़ा परेशानी है, इसलिए आप देखिए इंग्लिश के वर्ड थोड़ा आसान है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और आप देखते भी हो इनको कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसका मैं सरल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, साइन एक्स और कॉस एक्स दो फलन होते हैं, उनके ग्राफ आपको याद होंगे। तो आप देखिए, अगर मैं फलन वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आपको साइन एक्स समझाऊं, यहीं से आप बता दोगे मुझे ये फलन वर्धमान या ह्रासमान। तो आपको याद होगा कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से, नहीं याद है तो अलग बात है। फिलहाल देखिए, इस ग्राफ से आप खुद समझ जाओगे कि ये ग्राफ यहाँ क्या है, वर्धमान स्थिति में, और इसके बाद फिर क्या है, यहाँ से पूरा ह्रासमान होते रहा, ह्रासमान होते रहा, फिर दोबारा से क्या होने लग गया, वर्धमान होने लग गया। अभी इसको इंग्लिश में बोलूंगा तो इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज किया और देन इंक्रीज किया। ये तो ग्राफ से आप सीधे देख के बता सकते हो, लेकिन हर फलन के ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है अवकलस के अनुप्रयोग, मीन्स अवकलन के रूप में हम उसको कैसे करेंगे। पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं कि एक्चुअल में परिभाषा होती क्या है। तो हमें कोई फलन दिया होगा, तो आपको फलन पढ़ाया गया, तो आपसे कहा फलन को लिखने का तरीका इस तरह से, मैंने वास्तविक फलनों के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ भी आर लिखा है और इधर भी आर। आर यहाँ किसको प्रदर्शित कर रहा है, आपके वास्तविक संख्याओं को। तो आप इस इधर वाले को डोमेन कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और इधर वाले को आप सहप्रांत या कोडोमेन कहते हैं। तो आपने डोमेन के दो अवयव लेने हैं, तो एक्स वन और एक्स टू दो अवयव आपने लिए। जब आप दो अवयव लोगे तो वो दोनों बराबर तो लोगे नहीं, तो दोनों में से एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा। जैसा मैंने रिस्ट्रिक्शन लिखी है, मैंने लिखा एक्स वन एक्स टू, मैंने एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू लिखा। आपने कहा नहीं सर, हम तो एक्स वन लेस देन एक्स टू लेते हैं। तो आप जानिए, पहले फिलहाल ये समझिए कि मैंने एक्स वन एक्स टू दो पॉइंट लिए और मैंने रिस्ट्रिक्शन लिखी एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू। अब मुझे फलन दिया रहेगा, प्रश्न में फलन दिया रहेगा, तो मैं एक्स वन पर भी फलन का मान निकालूंगा तो उसका माना जाएगा एफ एक्स वन, और एक्स टू पर फलन का मान निकालूंगा तो उसका नाम उसका माना जाएगा एफ एक्स टू। ऐसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई फलन वाई बराबर एफ एक्स दिया होता, एक्स वन एक्स टू दो पॉइंट लिए हैं, तो एक्स वन पर वैल्यू क्या जाएगी आपके पास एफ एक्स वन, और एक्स टू पर वैल्यू क्या जाएगी एफ एक्स टू। अब ये जो दो वैल्यूज आई है एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, इनमें क्या क्या हो सकता है, इनमें ये कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, आपने एफ एक्स वन और एफ एक्स टू निकाले, हो सकता है एफ एक्स वन का मान बड़ा आ जाए। अगर एफ एक्स वन का मान बड़ा आएगा तो आप कहोगे फलन निरंतर वर्धमान है, ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर ऐसा आएगा, आपने कहा फलन का मान बराबर होने के भी चांसेस है, बड़ा तो आ रहा है लेकिन साथ साथ बराबर होने के भी चांसेस है, तो आप निरंतर वर्ड नहीं लगाएंगे उसमें, केवल क्या लगाएंगे, वर्धमान। ऐसी आपने कहा नहीं उल्टा हो रहा है, अब एफ एक्स वन छोटा आ जा रहा है, तो ऐसे केस में आप कहेंगे निरंतर ह्रासमान है, और फिर वही इक्वल होने का चांसेस है तो आप कहेंगे ह्रासमान है। इसको ऐसे समझिए, आपने जब बिंदु लिए, बिंदुओं के बीच में आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, उनके सापेक्ष आपने फलनों के मान निकाले। जैसा साइन उन बिंदुओं के बीच में है, वैसा ही साइन अगर उनके फलनों के मान के बीच में आता है तो आप कहेंगे निरंतर वर्धमान, और उसका उल्टा हो जाता है, आपने ग्रेटर लिया था लेस आ गया तो आप कहोगे वो ह्रासमान, ठीक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप मेन इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसा साइन पॉइंट के बीच में है वही साइन फंक्शनल वैल्यू के बीच में आएगा तो आप कहोगे वो इंक्रीजिंग है, और उसका अपोजिट साइन आएगा तो आप कहेंगे डिक्रीजिंग है, ठीक है। ग्रेटर लेस से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब लेकिन अवकलस के रूप में हम इसको कैसे करेंगे, प्रश्नों में इसका यूज बहुत कम किया जाएगा। अवकलस के रूप में हम वर्धमान ह्रासमान कैसे चेक करेंगे, आपको फलन दिया रहेगा, आपसे कहा जाएगा चेक करिए कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, फिर उसके बाद के प्रश्नों में तो ये भी पूछा जाएगा कि निर्धारित कीजिए कि फलन किस इंटरवल में वर्धमान है और किस इंटरवल में ह्रासमान है। तो एक फलन दिया रहेगा, आप अवकलन करिएगा उसका, dy by dx कैलकुलेट करिए, या उसी को f dash x कह सकते हैं। फिर पता करिए कि वो जो फलन दिया है जिसका आपने अवकलन किया वो धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक। अगर वो धनात्मक आ रहा है तो आप कहेंगे फलन वर्धमान है, अगर वो ऋणात्मक आ रहा है तो आप कहेंगे फलन ह्रासमान है। और लेकिन आपका अवकलन, आपने कहा अवकलन तो मेरा जीरो आ गया, तो आप कहोगे फलन क्या है, नियत है, मीन्स उसमें कुछ नहीं होता, ना वो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा, वो कॉन्स्टेंट फलन होगा। अब इसी बात को मैं एक सरल सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने एक फलन लिया एफ एक्स बराबर फोर एक्स प्लस थ्री। अब इसको मैं ये बेसिक डेफिनेशन से लेता हूं, मैंने एक्स वन एक्स टू दो पॉइंट लिया, एक्स वन और एक्स टू दो पॉइंट वास्तविक संख्या लेंगे, कुछ इंटरवल दिया है, ठीक, नहीं दिया है तो आप तब भी इसी तरह से लिखते थे। फलन का मान एफ एक्स वन आपने कैलकुलेट किया, कितना आया फोर एक्स वन प्लस थ्री, एफ एक्स टू कैलकुलेट किया फोर एक्स टू प्लस थ्री। अब जब मैंने पॉइंट लिए, कोई नंबर तो लिए नहीं मैंने टू थ्री टाइप के, तो मुझे सब पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, तो मैंने मान लिया, माना जो ये फलनों के मान है एफ एक्स वन मैंने बड़ा मान लिया एफ एक्स टू, मैंने इसको हल किया फोर एक्स वन प्लस थ्री ग्रेटर देन का साइन है, और एफ एक्स टू की वैल्यू आपने फोर एक्स टू प्लस थ्री लिखी है, थ्री थ्री कट हो गए वो साइड से, ऐसे कट होते नहीं है वो साइड, थ्री माइनस करना होता है समझने के लिए कर लीजिए जैसे आप। तो आप फिर इसको अगले स्टेप में फोर एक्स वन ग्रेटर देन फोर एक्स टू, बोथ साइड फोर से डिवाइड कर लीजिए,
तो आप देखिए जैसा साइन मैंने फलनों के बीच में लिया था वही साइन आपका किसमें आया है, बिंदुओं के बीच में। और जब ये साइन एक जैसे ग्रेटर आया है इसको मत याद करिए, जैसा साइन आपने फलनों के बीच में लिया है वही साइन आपके बिंदुओं के बीच में आएगा, तो आप कहोगे फलन कैसा है, वर्धमान है। तो फलन निरंतर वर्धमान है, और निरंतर वर्ड लगाना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, खाली वर्धमान कर लीजिए। ठीक, ये तो हुआ परिभाषा से। और इसी को अगर अवकलज का अनुप्रयोग करूंगा और आसान हो जाएगा। इसी प्रश्न को देखिए, fx बराबर मैंने 4x plus 3 लिया था, अवकलज करवाता मैं f dash x है। तो आप देखोगे अवकलज कराया तो 4 कांस्टेंट, x का अवकलन 1 हो गया और 3 का 0 हो गया, हल किया तो 4। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये फलन जो ये अवकलन किया है इसकी वैल्यू धनात्मक है या ऋण, कन्फर्म है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और आपको लिखा रखा है फलन के अवकलज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो फलन कैसा होता है, वर्धमान। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी। तो आप देखिए जब उदाहरण देखोगे तो स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न इस तरह से किए होंगे, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे भी कर दोगे तो नंबर उतने ही आने, एक ही नंबर का प्रश्न आना है। बाद की बात बड़े प्रश्नों को हम थोड़ा लंबा तरीका यूज करेंगे, लेकिन अवकलज करना है, उसके बाद डेरिवेटिव की वैल्यू को पता करना है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक। जीरो आ जाएगी तो उस केस में थोड़ा सा परेशानी आएगी। ठीक, देखते हैं ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिखा है मैंने, अभी आपको ग्राफ से बताया था मैंने। अब मान लो ग्राफ याद नहीं, हम अवकलज का अनुप्रयोग करें तो इसमें देखिए कैसे करता हूं मैं। मैंने फलन का अवकलन किया एफ डैश एक्स है, तो साइन का अवकलन कितना हो गया, कॉस। अब आपको याद होगा कि कॉस फलन धनात्मक होता है या ऋणात्मक। ठीक, नहीं भी याद होगा तो आपको ये याद करवाया होगा, यहां सारे त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं, यहां केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, यहां टेन और कॉट धनात्मक होता है, और यहां कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। तो आपका क्या है, अवकलन करके कॉस आया है, तो आप कॉस को देखिए, केवल कॉस पहले में कैसा है, धनात्मक है, दूसरे में ऋणात्मक, तीसरे में ऋणात्मक, चौथे में धनात्मक। तो आप समझ गए कि पहले चतुर्थांश में तो ये वैल्यू एफ डैश एक्स जो आपका आया है वो ग्रेटर देन जीरो है। कहां, पहला चतुर्थांश कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाय टू। दूसरा चतुर्थांश मैं तो वो नेगेटिव आया उसको नहीं था, मैं तो ग्रेटर लिख रहा हूं। चौथा यह है, ये कहां से कहां तक है, 3π/2 से लेकर 2π। इन जगहों पर ये कैसा है, वर्धमान हो गया। तो इस जगह पर ये फलन वर्धमान। अगर ह्रासमान के लिए पूछा होगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आप क्या लिख दोगे, लेस देन जीरो। कहां होगी लेस देन जीरो, एक सेकंड में, सेकंड कहां तक, कहां से स्टार्ट, पाई बाय टू से लेकर पाई तक, और थर्ड वाला कहां से कहां तक, पाई से लेकर 3π/2। इन दो इंटरवलों में वो कैसा हो जाएगा, ह्रासमान। राइट, समझ में आ जाना चाहिए मेरे पास फलन इस तरह। ठीक, एक और देखिए इसी तरह से, ई टू दी पावर वाला है, इसका भी अवकलन किया मैंने एफ डैश एक्स, ई की पावर का डायरेक्टिव ई टू दी पावर 2x, और फिर 2x करेंगे तो 2 आ गया। और आप देखिए इसमें x का कैसा ही मान रख के देख लीजिए, हर हाल में कैसा आएगा आपका, धनात्मक। और जब अवकलन का मान धनात्मक आएगा तो फलन क्या है, एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर 2x वर्धमान। तो बिना ग्राफ बनाए हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग से सीधे अवकलन करेंगे, और कुछ सरल से प्रश्न जो स्टार्टिंग में हमें डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि अवकलज धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन में आप उस बात को ध्यान रखिए जो आपने क्लास 10th से पढ़ने शुरू करी है, कि पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक, तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक, और लास्ट वाले में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। याद रखेंगे त्रिकोणमितीय फलन वाले प्रश्न बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। थैंक यू।